Education purpose, and we do not recommend you to buy or sell any stocks before investing in our predictions. Please take advice from your financial advisor. We are not responsible for any of your profit and losses. So, very good evening, guys. वेलकम बैक टू आवर चैनल फीन उम्मीद आप सभी के ट्रेडिंग डेज अच्छे जा रहे होंगे अगर नहीं जा रहे होंगे तो इस वीडियो को एंड तक देखेगा होपफुली आपको भी काफ़ी मदद मिलेगी अपने ट्रेडिंग स्किल को इम्प्रूव करने में निफ्टी फिफ्ट का चार्ट आप अपने सामने देख पा रहे होंगे अब आप इस चार्ट को देख के अंदाजा लगा सकते हैं मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है काफी लोग जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं उन्हें तो पता ही है कि मार्केट क्या चल रहा है जो नहीं है जो बिगनियर्स हैं उन्हें भी ये पता होना चाहिए कि मार्केट डायरेक्टली इफेक्टेड होता है जो भी इंडिया की या फिर कंट्री की कंडीशंस होती है अब इंडिया की कंडीशंस आपको पता है पर डे के जो केसेस आ रहे हैं उसके हिसाब से मार्केट अब जैसा अभी तक चल रहा था जब कोविड कम हुआ था वैसा नहीं चलने वाला है अब अब आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है सिक्स अप्रैल 2021 के लिए कुछ लेवल्स हमने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं उनकी हम बात कर लेंगे सिक्स अप्रैल टू के लिए कुछ लेवल्स हमने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं उनकी हम बात कर लेंगे तो सबसे पहला स्टॉक हमने आपके लिए चुना है वो है हमारा बिल्डा कॉर्पोरेशन जिसे आप बाय करके चलेंगे रूल ध्यान से सुन लीजिएगा ये सभी मैं टेलीग्राम चैनल में जो मैं स्टॉक्स अपलोड करता हूँ व्हाट्सएप पे जो मैं प्रोवाइड करता हूँ फोर हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड के रेंज में यही स्टॉक्स में तो सबसे पहला स्टॉक हमने आपके लिए चुना है वो है हमारा बिल्डा कॉरपोरेशन बाय करके चलेंगे रूल ध्यान से सुन लीजिएगा ये सभी मैं टेलीग्राम चैनल में जो मैं स्टॉक्स अपलोड करता हूँ व्हाट्सएप पर जो मैं प्रोवाइड करता हूँ फोर टू सेवन की रेंज में यही स्टॉक्स में सब स्टॉक्स सब स्टॉक्स में यही रूल्स फॉलो होते हैं तो जब लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा बाई साइड का यानी कि 913.50 पे आप पॉइंट फाइव जीरो बाय करेंगे टारगेट रहेगा 918, 926, 935 नाइन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स रहेगा आपका 903 का यानी कि 902.50 पे आप अपना स्टॉप जीरो लगाएंगे टारगेट आपका पहला स्मॉल रहेगा अगर स्टॉक मूवमेंट ना दे पाए या फिर आपके अपोजिट साइड आपने बाय किया है और शॉर्ट सेलिंग साइड की मूवमेंट देने वाला है या फिर शॉर्ट सेल किया है बाई साइड की मूवमेंट देने वाला है तो भी आपका एक टारगेट प्राइस पहला टारगेट प्राइस स्मॉल रहेगा आप जैसे ही आपका तार... पहला टारगेट प्राइस अचीव होगा वैसी आपको उतना स्टॉप लॉस शिफ्ट करना है फर्स्ट टारगेट प्राइजा ये बेसिक रूल है आपको ये करना ही है जितनी बार लेवल ब्रेकआउट हो उतनी बार आप बाय या शॉर्ट सेल कर सकते हैं बाकी शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा 901, यानी कि 900.50 पे पॉइंट फाइव जीरो पर आप इसे शॉर्ट सेल करके चलेंगे टारगेट रहेगा एट का पहला टारगेट प्राइस एज इज स्मॉल दूसरा टारगेट पैस रहेगा आपका 888 का तीसरा टारगेट पैस रहेगा 880 का तो ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे स्टॉप लॉस रहेगा आपका 911 का यानी कि 911.50 पे आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे मैं आपको बता दूं मॉर्निंग में फोर हंड्रेड टू सेवन की रेंज में स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूं जिनमें मिनिमम टेन पॉइंट्स का आपको गेन हो जाता है मैक्सिमम ट्वेंटी प्लस पॉइंट फोर टू सेवन हंड्रेड का स्टॉक रहता है इस रेंज के बीच में स्टॉक रहता है आपको बल्क में शेयर बाय करना होता है यानी कि थ्री या फिर फोर हंड्रेड शेयर अब टेन पॉइंट्स अगर आप गेन कर लेते हो थ्री मिनिमम मिनिमम थाउजंड का प्रॉफिट आपको होता है

फिफ्टीन हंड्रेड थर्टी पे यानी कि इस लेवल पे हमें यहाँ से यहाँ पे शॉर्ट करना था और इसने अपना लो बनाया फिफ्टी हंड्रेड ट्वेल्व समथिंग का हमारा जो सेकंड टारगेट प्राइस था यानी कि बाय साइड के दो शॉर्ट सेलिंग साइड के दो टारगेट पाए इसमें इजीली इस अचीव हो गए सिम्फोनी में बाय करके चलना था ट्वेल्व हंड्रेड टेन पे और हमारा जो फर्स्ट टारगेट प्राइस था इसमें खाली ए ही अचीव हो पाया अब आपको समझ आएगा कि जब मैं मैं बोलता हूँ कि पहला टारगेट प्राइस अचीव होते ही आपको स्टॉप लॉस शिफ्ट करना है वो यही रीजन होता है कि अगर स्टॉक मूवमेंट ना दे पाए तो भी आपका एक टारगेट प्राइस अचीव हो दूसरी चीज़ ये थी इसमें शॉर्ट सेल करके चलना था मैं इलेवन हंड्रेड नाइन्टी पे इलेवन हंड्रेड आपने इसे शॉर्ट सेल किया होगा तो आ, इसने अपना जो है बिना स्टॉप लॉस हिट करते हुए इसने हमारे जो थे आ, दो टारगेट प्राइस इजिली अचीव कर लिए थे एयू बैंक को हमें बाय करके चलना था इलेवन हंड्रेड पे इलेवन हंड्रेड से इसने पहले अपना हमारा हाई बनाया इलेवन हंड्रेड ट्वेल्व का यानी कि हमारे दो टारगेट प्राइज ने इजीली अचीव कर लिया था बाई साइड के उसके बाद अगेन ये डाउन आया डाउन के बाद दोबारा इसने हमारी जो कॉल थी वो एक्टिवेट हुई एक्टिवेट होने के बाद इसने दोबारा यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पर एक्टिवेट हुई दोबारा से इसने हमारे तीनों टारगेट प्राइस इजिली अचीव कर लिए थे शॉर्ट सेलिंग साइड की बात करूं शॉर्ट सेल करके चलना था हम इस्टॉक को थाउंड यानी कि थाउजेंड पे यानी कि इस लेवल पे हमें इसे शॉर्ट सेल करके चलना था इसने अपना लो बनाया

अगर दूसरी साइड जैसे मान लीजिए शॉर्ट सेलिंग की साइड इसने कितना अच्छा रिजल्ट दिया है आपको इसने लगभग तीनों टारगेट प्राइस एक पॉइंट रहेगा तीसरे टारगेट प्राइस से लगभग लगभग तीनों टारगेट प्राइस इसने भी अचीव कर लिए थे बट साइड में इसने खाली एक ही टारगेट प्राइस अचीव किया यानी कि ये दूसरे साइड की मूवमेंट देने वाला था सेम इसीलिए मैं बोलता हूं कि पहला टारगेट प्राइस आपको शिफ्ट करना है फोर टू से की रेंज की मैं बात करूं तो ये स्टॉक्स मैंने आपको प्रोवाइड किए थे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप पे सबसे पहला स्टॉक था हमारा अडानी पोर्ट्स इसका मैं आपको रिजल्ट बता देता हूं अडानी पोर्ट्स हमें बाय करके चलना था फोर्टी पे हमें इसे बाय करके चलना था मैं आपको हटा के दिखा देता हूँ अपना हाई बनाया अगेन टाइटन जैसे बाईस का एक ही टारगेट प्राइस अचीव किया उसके बाद ये डाउन आया डाउन साइड में इसने हमारे जो थे शॉर्ट सेलिंग साइड के दो टारगेट अचीव किए तीसरा टारगेट प्राइस भी अचीव नहीं कर पाया बट रिजल्ट ठीक था टेन पॉइंट तो ने गेन कर लिए थे अगला था आईसीआई आई बैंक ये जो स्टॉक था हमारा गैप डाउन ओपन हो गया था गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने रिकवर तो किया बट थोड़ी लेट हो गई इसे रिकवर करने में तो इसमें हम ट्रेड नहीं कर पाए जी स्टील की मैं बात करूँ जी स्टील में हमारा बाय साइड के दो टारगेट प्राइज इसे अचीव हो गए स्टॉक जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है तो यहाँ पर इसे बाय करके चलना था एक्जैक्ट इसने हमारा जो था टारगेट प्राइस तक ही इसने हमारा हाई बनाया सेकेंड टारगेट प्राइस तक और उसके बाद ये डाउन आ गया डाउन हमें थर्टी सिक्स पे करना था इसे लगभग यहाँ पर इस वैल्यू पे हमें इसे डाउन करना था और इसने अपना लो बनाया है 26 सिक्स यानी कि 10 पॉइंट्स आपने यहाँ भी गेन कर लेते फोर हंड्रेड टू सेवन की रेंज में 600 का स्टॉक है ये तो इसमें ज्यादा मूवमेंट की आप वो नहीं कर सकते यहाँ पर हमारा बीच में एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ था शॉर्ट सेलिंग की साइड का बट ये रिकवर हो गया था ओवरऑल में अच्छा खासा अगला था हमारा टाटा केमिकल्स टाटा केमिकल्स से मैं बात करूँ टाटा केमिकल्स हमें बाय करके चलना था आँ... 735 हंड्रेड थर्टी फाइव पे 735 हंड्रेड थर्टी फाइव यानी कि आप लगा लीजिए इस लेवल पे हमें इसे बाय करके चलना था थर्टी फाइव पर इसने अपना हाई बनाया है फोर्टी टू का यानी कि एक टारगेट प्राइस इसमें भी हमारा अचीव हो गया था ज्यादा यह टारगेट प्राइस अचीव नहीं कर पाया शॉर्ट सेलिंग की साइड इसने ठीक रहा हमारा 27 पे हमें शॉर्ट से सेल करके चलना था लगभग इस लाइन पे हमें इसे शॉर्ट सेल करके चलना था और इसने अपना लो बनाया है ट्वेंटी का इसने हमारा जो है शॉर्ट सेलिंग की साइड भी दूसरा टारगेट प्राइस अचीव करते करते रह गया दो पॉइंट से रह गया बट ठीक है इसमें रिजल्ट अच्छा रहा ज़्यादा मतलब स्टॉप लॉस किसी में हिट नहीं तो हुआ है एक टारगेट प्राइस तो अचीव हुआ ही है अब मार्केट की कंडीशन से ऐसी चल रही है तो आप कुछ भी डाउट नहीं कर सकते आपको खुद को पता है मार्केट कैसे चल रहा है बाकी शक्ति पंप की मैं बात करूं शक्ति पंप हमें शॉर्ट सेल करके चलना था लगभग 501 पे यानी कि यहाँ पे इसे शॉर्ट सेल करके चलना था इसने अपना लो बनाया है फोर यानी कि टेन पॉइंट समथिंग इसने भी आपको दे के गया था शक्ति पंप फोर टू सेवन की रेंज में जो स्टॉक्स मैंने आपको प्रोवाइड थे वो था इनका रिजल्ट अब मार्केट मार्क की कंडीशन ऐसी चल रही है कि पहले नेगेटिव गैप डाउन ओपन हो रहा है उसके बाद अप आ रहा है फिर दोबारा डाउन जा रहा है तो उसमें थोड़ा बहुत तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा फर्स्ट टारगेट प्राइस अचीव होता ही ट्रेड से बाहर आना पड़ेगा या फिर हमें एक ही बार ट्रेड लेनी पड़ेगी ज्यादा देर मार्केट में

बाकी अगर स्टॉक गैप रिफिल नहीं करता तो स्टॉक को छोड़ देंगे और आप एट हंड्रेड से नीचे के स्टॉक में खाली आप वेट करेंगे टे, टेन थर्टी तक उससे अलावा आप वेट नहीं करेंगे स्टॉक को छोड़ देंगे मार्केट की कंडीशन ऐसी चल रही है अभी कोविड के चक्कर से तो थोड़ा दूर दूर ही रहें ज़्यादा ट्रेड ना लें देखिए मैक्सिमम ट्रेड्स क्या होती है कि आप मार्केट की कंडीशन थोड़ी तो मार्केट की कंडीशन बिगड़ने लगी है आपने प्रीवियस वीक में देखा ही है तो प्लीज मंडे को ऐसा कीजिएगा कि एक ही ट्रेड लीजिए दो ट्रेड लीजिए मतलब ज्यादा ट्रेड मत मतलब लीजिए कहने का मतलब ये शॉर्ट सेलिंग साइड का आपका टारगेट रहेगा ट्वेल हंड्रेड सेवेंटी ट्वेल हंड्रेड सिक्स ट्वेल हंड्रेड्रेड्रेड फिफ्टी स्टॉपलस रहेगा आपका ट्वेल्ल हंड्रेड्रेड्रेड्रेड एट का ये लेवल्स रहेंगे ये चीज ध्यान रखिएगा बार बार कंफ्यूज मत होइएगा बाकी बाकी आज की वीडियो बस इतना ही आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा ज्वाइन जरूर जाएगा मॉर्निंग में दो कॉल्स में वही प्रोवाइड करता हूँ अगर आप अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ